नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस और सिंप्लीफाई कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शीट्स को लेकर परेशान थे और इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान थे कि यह प्रेफरेंस शीट किसके कहने से बनाई जाए। तो ये चीज़ भी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करा है जिसमें उन्होंने बोला कि हमने जो कॉलेज कोर्सेज हैं उनके अंदर कितने स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, किस कोर्स की पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिख रही है, किस कोर्स में आपको कम कॉम्पिटिशन मिलेगा, उनकी हमने प्रेफरेंस आप लोगों को दे दी है। देखो, ये है प्रेफरेंस की काउंट। इसको प्रेफरेंस शीट मत समझना कि ये आपको प्रेफरेंस शीट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे दी है। इट्स अ प्रेफरेंस काउंट कि किस स्टूडेंट ने किस प्रेफरेंस को कितने ज़्यादा ऑप्ट करा है, उसके नंबर वो आप लोगों को डेटाबेस अपना शेयर कर रहे हैं। इस डेटाबेस को आप अपने स्ट्रेंथ बना सकते हैं। हाँ, 8 तारीख हो चुकी है, टाइम आपके पास थोड़ा सा कम है। ये चीज़ पहले स्टार्टिंग से चल रही होती तो स्टूडेंट को और ज़्यादा अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती। तो 1469 जो है आप लोगों के प्रोग्राम्स प्लस कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ और मेंशन करी कि यार स्टूडेंट ना बहुत ही कम जो है अपनी प्रेफरेंसेस भर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भरो सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। भाई, प्रोग्राम मैक्सिमम भरने से होगा क्या? आप मतलब स्टूडेंट को कोई भी कोर्स में जाके एडमिशन लेना है इस तरीके से तो फिर यार बहुत ज़्यादा है ना रश मच जाएगा। स्टूडेंट्स को जो चीज़ करनी है उस डिजायर्ड कोर्स में वो पहुंच नहीं पाएगा अगर वो मैक्सिमम कोर्सेज को सिलेक्ट करता है तो, और मैक्सिमम कॉलेजेस को सिलेक्ट करता है तो। कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को अप्रोप्रिएट नहीं लग रही क्योंकि इसके अंदर कोर्स वाइज काउंसलिंग नहीं कराई गई है। लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बोल दिया है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम यू सिलेक्ट करो तो करो। इसका एक रीज़न और भी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड के अंदर जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगा ही और शी विल बी द मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे उन स्टूडेंट को फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर अपग्रेडेशन ही मिलेगा। फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने वाला है। इट मस्ट बी नोटेड दैट फेज वन एंड फेज टू ऑफ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम विल ऑटो लॉक द प्रेफरेंस सेव्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑन मंडे 10 अक्टूबर 2022। शाम 5 बजे तक आप अपनी जो है प्रेफरेंसेस को कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपने सेव करा है तो ही वो लॉक होगा, अगर आपने सेव भी नहीं करा है तो आपकी चॉइसेस जो है आगे फॉरवर्ड नहीं करी जाएगी और आप आउट हो जाएंगे काउंसलिंग से। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस को सिलेक्ट करें। तो जल्दी से चलते हैं अब इनके पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा कोर्स एंड कॉलेज किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिली गई है। यहाँ पे दिया गया है एक सिंपल सा आपका जो है फिल्टर जिसे आप अरेंज कर सकते हैं मैक्सिमम टू लोअर नंबर पे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस काउंट दिए स्टूडेंट ने वो है बीकॉम प्रोग्राम इन रामजस कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में बीकॉम प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरी गई है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि यार होता क्या है जब आप लोग पॉपुलर कोर्स के अंदर अप्लाई करते हैं, पॉपुलर कॉलेज के अंदर अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कट ऑफ हाई जाएंगी ही जाएंगी। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में ही अप्लाई कर रहे हो तो लुक फॉर अ लीस्ट अप्लाइड कॉलेज जिसको एडमिशन में सबसे कम स्टूडेंट्स ने ऑप्ट करा है। मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ज़्यादा उसमें खिचड़ी नहीं पकाऊंगा। देखो, बीकॉम पे क्लिक करा हमने, सो बीकॉम में हमारे पास इस तरीके से सारे कॉलेजेस आ गए हैं। अब यहाँ से मैं इसको फिल्टर लगा देता हूँ, बीकॉम प्रोग्राम के अंदर ही मेरा फिल्टर लग चुका है। ये है लीस्ट प्रेफरेंस जिसको दी गई है और ये है मैक्सिमम प्रेफरेंस जिस कॉलेज को दी गई है। तो ये हो गए आप लोगों के टॉप टू बॉटम अरेंज। अब आपको करना क्या है कि ये मत सोचना कि मेरा स्कोर कम है तो मैं सबसे पहले अदिति महाविद्यालय को ही डाल दूँ। मेरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी में आराम से एडमिशन होता दिख रहा है, इसमें तो कम लोगों ने अप्लाई करा है, क्या पता मेरे को इसमें एडमिशन मिल जाए। ये तो विमेंस कॉलेज है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ऑब्वियसली बात है विमेंस का रेशियो थोड़ा कम होगा कंपेरेटिवली टू बॉयज़, इस वजह से यहाँ पे जो है ज़्यादा आप लोगों को नंबर्स दिख रहे हैं अप्लाई करे हुए। लेकिन जो कॉमन कॉलेजेस हैं, देखिए जितने भी गर्ल्स एक्सक्लूसिव कॉलेजेस हैं उनके जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है, लेकिन जो कॉलेजेस जो कोएड में हैं उनके नंबर ऑफ एप्लीकेशन एकदम से डबल होते हुए दिख जाएंगे आपको। तो जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया इवनिंग का, इसके अंदर 15,610 आ गया। तो अब आप लोग सोचेंगे कि यार सबसे पहले जाकिर हुसैन हटा देता हूँ तो वही कॉलेज मिल जाएगा। ध्यान रखो, नेक्स्ट राउंड के अंदर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जा रहा, उसी चॉइस फिलिंग में आप लोगों की अपग्रेडेशन होती रहेगी नेक्स्ट राउंड के अंदर। तो आप इन कॉलेजेस को ही, जैसे कि जाकिर हुसैन कॉलेज है, अगर आप इसको टॉप पर रख दोगे तो आपको सबसे पहले कॉलेज अलॉट हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में आप इसके ऊपर अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे, इससे ऊपर कोई कॉलेज होगा नहीं। अगर आप इसी इन्हीं चीज़ों को टॉप टू बॉटम अरेंज करते हो, देयर इज नो हार्म। अगर आपका टॉप में नहीं आ रहा तो आपको नहीं मिलेगा, जरूरी थोड़ी कि टॉप पर रख दो तो कॉलेज मिल ही जाएगा या फिर लेना ही पड़ेगा।
कोई भी कॉलेज है, आप अपनी प्रेफरेंस इस हिसाब से ही बनाओ. दिस इज द बेस्ट प्रेफरेंस शीट यू हैव गॉट फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी. दीज आर द प्रेफरेंसेस यू हैव गॉट बाय डीयू इटसेल्फ. तो यहाँ पे आप देखिए रामजस कॉलेज आ गया, इसको नंबर वन पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है यार. कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो क्या दिक्कत है, आपका नंबर अगर सिक्योर नहीं कर पा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा. लेकिन आप भरो सारे के सारे ऑप्शन, भरो सारे के सारे ऑप्शन, आपको नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट में आपको उससे ऊपर मिल जाएगा. चलिए मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश को करूँगा अपनी तरफ से. और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना इसको भाई, ठीक है. मैं आप लोगों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ. देखिए जब आप अपनी प्रेफरेंसेस बनाएंगे ना, तो ये चीज़ अपने दिमाग से आपको निकालनी पड़ेगी कि मैं लोअर कॉलेजेस को ऊपर रखूं, क्योंकि उनमें बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं. लोअर कॉलेजेस को ऊपर रखने की मिस्टेक मत करो, क्योंकि अगर आपको लो में अलॉट हो गया तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा. आप टॉप टू बॉटम ही जाओ अपना, ठीक है, और भर भर के डाल दो. अब यहाँ पे ये मत सोचना भाई इतने सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है, 39,000 बच्चों ने अप्लाई करा, मैं नहीं डाल रहा इसमें नाम, मैं हटा लेता हूँ. नहीं नहीं, आप भी रहो, आप भी रहो. आपके एक कम हो जाने से क्या वहाँ पे कोई सीट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप भी उसी रेस में तो हो ना. तो आपने जब टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को अरेंज कर लिया इस तरीके से, अब ये 1 ABCDE, ये एक टॉपर है, ये एक एवरेज स्टूडेंट है, ये है लो रैंक का स्टूडेंट, ठीक है. अब टॉपर की प्रेफरेंस में पहले नंबर पे यही कॉलेज होगा भाई, 39111. उसका रैंक अगर लाए कर रहा होगा, उससे ऊपर कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने ये प्रेफरेंस डाली होगी, वो कॉलेज उसको अलॉट कर दिया जाएगा. टिल जब तक वो ऐसे ही प्रेफरेंसेस को देखता रहेगा टॉप टू बॉटम, पहले हर स्टूडेंट की, जो पहला स्टूडेंट है टॉपर है, उसकी प्रेफरेंसेस को पहले देखा जाएगा. तो यहाँ पे तब तक वो सीट्स को भरेगा जब तक उस कॉलेज की सीट फिल नहीं हो जाती, तभी तो वो नेक्स्ट पे जंप करेगा. अब बी स्टूडेंट है, बी का जब नंबर आया तब तक इस वाले कॉलेज की जो है सीट फिल हो चुकी थी, उसने फिर सेकंड नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया. ऐसे ही थर्ड जिसका लो रैंक था उसको फोर्थ नंबर का कॉलेज मिल गया, जिसका लो स्कोर है उसको यहाँ पे एडमिशन मिल गया, ठीक है. अब यहाँ पे ये मत समझना कि मेरे को इस कॉलेज को ऊपर भरूंगा तो मेरे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि मेरे को पहले राउंड में कॉलेज मिल जाएगा. भाई पहले राउंड में बहुत टफ होता है, इवन टॉपर विल गॉट गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, फिर वो नेक्स्ट में अपग्रेड करेगा, फिर वो नेक्स्ट में अपग्रेड करेगा, तब वो यहाँ तक पहुँचेगा. तो लीस्ट टू टॉप पे मत जाओ, टॉप टू बॉटम कॉलेजेस में आपको अपना अप्लाई करना है. चॉइस प्रेफरेंस आप अपनी यहाँ से निकालो. कोई स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर रहा है, बीए इकोनॉमिक्स सर्च करा उसने, यहाँ से बीए इकोनॉमिक्स में गया, यहाँ से प्रेफरेंस देख लो किस तरीके से बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं. टॉप टू बॉटम जाओ और ऐसे के ऐसे ही शीट को भर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस को डालो. आप पहले अपने कोर्स को प्रायोरिटी देना, फिर उसके बाद कॉलेज को प्रायोरिटी देना, ठीक है. पहले किसको प्रायोरिटी देनी है आपको? कोर्स को प्रायोरिटी देनी है. पहले उस कॉलेज के टॉप कॉलेजेस भरना जो आपकी प्रायोरिटी है करने की, उसके बाद सेकंड नंबर के कोर्स के कॉलेजेस को भरना, फिर थर्ड नंबर के कॉलेजेस को आपको भरना है. अब आप इसमें सीक्वेंसिंग क्या कर सकते हो कि आप अपने लोकेशन के हिसाब से साउथ कैंपस के कॉलेजेस पहले ऊपर अरेंज कर सकते हो. अगर आपका ऐसा मन है कि भाई मेरे को लोकेशन पहले प्रायोरिटी में रखनी है, नॉर्थ कैंपस में मेरे को इधर रखना है, तो इस तरीके से भी आप अपने कॉलेजेस को प्रेफरेंस में अपना ऑप्ट आउट कर सकते हैं. दिस डेटा इज ओनली गिवन फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको दिख जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स कौन सा है. पॉपुलर कोर्स के अंदर हमेशा हाई कट ऑफ्स होंगी, पॉपुलर कॉलेज के अंदर हमेशा हाई कट ऑफ्स होंगी. जो कॉलेज पॉपुलर नहीं है उनके लिए स्टूडेंट ऑप्ट भी कम करेंगे और उसमें आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है. और वो मिलना होगा तो आपके इसी प्रेफरेंस से भी मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसको ऊपर ही आपको रखना ज़रूरी है. तो आप लोग अपने प्रेफरेंस खुद बनाइए, अपना दिमाग खुद लगाइए. इससे ज़्यादा हेल्प यूनिवर्सिटी आप लोगों को नहीं कर पाएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज का डालने का मतलब ये नहीं है कुछ भी अड़ंग पड़ंग भर दिया. आप अपने प्रोग्राम को हमेशा से ही प्रायोरिटी दीजिए. सो ये है मेरी एडवाइस. अगर एडवाइस अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ. थैंक यू सो मच.